सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और वो वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल पूछे जाते हैं और वो इजी होते हैं एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स के। चलिए जरा शुरू करते हैं और उनके नाम जानते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की, लाइक आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट ये 8 चैप्टर्स आप पहले कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में किसी तरीके की डिफिकल्टी ना रहे। यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आप कह सकते हैं स्कोरिंग चैप्टर्स। ओके, जरा उनके नाम जानते हैं। इस तरीके से वहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक, तो जो सबसे पहले आपका चैप्टर आता है वो आता है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ऑन एन एवरेज हर चैप्टर का जो वेटेज होता है वो 5 to 7 मार्क्स होता है। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन देखे जाते हैं। और आपको किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड जो अपना चैप्टर आता है वो आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक, ये आपका सेकेंड चैप्टर हो गया। इसी तरीके से थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ये सेमी कंडक्टर। ठीक, अब ऐसा कह सकते हैं कि लाइक यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं, भले से कहीं आए ना आए, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका होगा KTG, ठीक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और यहाँ से आपको ये भी समझ में आएगा कि लाइक किस तरीके की आपकी स्टडी करनी है। आपने अगर पहले स्टार्टिंग में फोर कंप्लीट कर लिए तो फिर आप आगे के फोर चैप्टर इजीली कर ले जाएंगे। इस तरीके के आपके 8 चैप्टर्स हो जाएंगे। और 8 चैप्टर्स बोले तो 8 × 5 = 40, ऑन एन एवरेज 42 आप 45 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं सिर्फ इन 8 चैप्टर की बदौलत। ओके, तो अपने पास जो 5th चैप्टर आता है उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। आई होप कि आपको पता है ये सब। और आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। ये आपका हो गया थर्मो डायनामिक्स। सिमिलरली नेक्स्ट अपने पास आता है 6th 1, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ये ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखे गए और आते भी है। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है ऑसिलेशन। और 8 नंबर पे आप रख सकते हैं एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे हम एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लिया कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी ऐसे 8 स्कोरिंग चैप्टर्स हो गए जिससे हर साल क्वेश्चन देखे जाते हैं, आते हैं। और आप इसे इजीली लेस टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके 8 चैप्टर्स थे। आई होप कि आपको ये 8 चैप्टर समझ में आए होंगे। अगर आपको इससे रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आपको इसके रिगार्डिंग जिस तरीके की वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।